गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इवन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी तरह का है, इन चीज़ों पे हम क्लास कर चुके हैं। और हम जो है आपके इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर के ऊपर, जहां हम डिस्कस करेंगे क्या है बैंक गारंटी। मतलब आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर है, बैंक गारंटी के ऊपर है। फिर क्रेडिट अप्रेजल है, छोटा सा टॉपिक, उस चीज के ऊपर है। यानी हम आज की क्लास में दो चीजों को समझने वाले हैं, एक बैंक गारंटी और उसके टाइप्स को, और दूसरा क्रेडिट अप्रेजल को। क्योंकि न्यूमेरिकल आजकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल के लिए क्रेडिट अप्रेजल में एक टाइम पीरियड दिया गया है, कैलकुलेशन दी गई है छोटी सी, वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे क्या है। बट ज्यादा कुछ है नहीं आज की क्लास में, बहुत आसान सी, बहुत इजी सी क्लास है। तो बहुत आराम से समझेंगे क्या है बैंक गारंटी। क्या हमें बैंक गारंटी के बारे में नहीं पता? पता है सर हमें बैंक गारंटी क्या होती है। बैंक गारंटी, बैंक गारंटी में मतलब सर बैंक गारंटी दे रहा है कि अगर डिफॉल्ट किसने किया, जिस पर्सन ने गारंटी, जिस पर्सन के बिहाफ पे बैंक ने गारंटी दी है, अगर उस पर्सन ने डिफॉल्ट किया तो बैंकर को पे करना पड़ेगा सब कुछ। तो किसको पे करना पड़ेगा? बैंकर को पे करना पड़ेगा, यही बैंक गारंटी है। ठीक है, हमने यही पढ़ा ना कि क्या है बैंक गारंटी। क्या है सर बैंक गारंटी? कि जब बायर डिफॉल्ट करेगा तो बैंकर हैज टू पे, बैंकर हैज टू पे। कि अगर डिफॉल्ट किया बायर ऑफ द गुड्स ने, या डिफॉल्ट किया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने, या डिफॉल्ट किया परफॉर्मर ने, तो उस केस में गारंटी कौन पे कर रहा है? बैंकर ने गारंटी दी है, तो दैट मींस बैंकर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो यहां बैंकर का क्या है, कमिटमेंट है कि वो पे करेगा इन केस बायर, कस्टमर, कुछ भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अगर उसने डिफॉल्ट किया, तो वहां पे बैंकर गारंटी दे रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट में जस्ट एक कंफर्मेशन थी कि फंड अवेलेबल है, यहाँ पे तो कमिटमेंट की जा रही है कि अगर बायर, अगर कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने डिफॉल्ट किया, तो दैट मीन्स उस केस में बैंकर क्या करेगा, बैंकर पे करेगा। चाहे बैंकर बाद में रिकवर कर लेगा, वो बैंकर का अपना है, लेकिन बैंकर यहाँ पे क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा। बैंकर क्या कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है कि मैं यहाँ पे करूंगा अगर यहाँ पे क्या हुआ, डिफॉल्ट हुआ। डन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली तीन तरह की गारंटी है, उन्हीं के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, बैंक गारंटी तीन तरह की है, उन्हीं को समझते हैं। ठीक है, बैंक गारंटी तीन तरह की है, फाइनेंशियल गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी और डेफर्ड। अब फाइनेंशियल गारंटी क्या है, देखो फाइनेंशियल गारंटी पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था कि मान लो ए है और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टेंडर निकाला है, और ए क्या कर रहा है, अप्लाई करना चाहता है उस टेंडर में। ए क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट के उस टेंडर में। तो अगर आपको पता हो, टेंडर के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक अमाउंट रखती है जिसे हम कहते हैं ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मतलब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम्हें मिला तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करोगे, इसके लिए क्या ली गई है, गारंटी भी ली गई है। और दूसरा, एक तुम भागोगे नहीं, दैट मीन्स तुमने मजे मजे में नहीं लगाया है कि बाद में तुम मना कर दो कि नहीं मैंने तो ऐसे ही लगाया था। तो उस सर्कमस्टांस में तुम्हारी वो ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, क्या हो सकता है, तुम्हारा फोरफिट हो जाएगा। तो इसीलिए टेंडर में जेन्यून लोग अप्लाई करें,
इसीलिए वहां पे एक ईएमडी रखी जाती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ए अगर टेंडर में अप्लाई करना चाहता है तो उसे जनरली 1% या 2% टेंडर की अमाउंट का एज ए ईएमडी देना पड़ता है, ठीक है, ये 3% तक हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ईएमडी डिपॉजिट करना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 1%, 2%, 3% जैसा भी डिसाइड हुआ है वो होगा। अब मान लो ये 1 करोड़ का टेंडर है, अब 1 करोड़ का 1% आपको या 2%, 3% आपको देना है गवर्नमेंट को सिर्फ टेंडर अप्लाई करते हुए, सिर्फ क्या करते हुए, टेंडर अप्लाई करते हुए। यस, मिनिमम परफॉर्म करने के लिए नहीं है ये, परफॉर्म करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी आएगा, ये सिर्फ इसीलिए है। पहली चीज तुम जेन्यून हो, पहली चीज तुम जेन्यून बिडर हो, तुम जेन्यून हो, ये कैसे पता चलेगा, जब तुम क्या दोगे, तुम्हारा कुछ पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा और तुम्हें पता है कि अगर तुमने मजाक किया है तो तुम्हारे वो पैसे फॉरफिट हो सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का मान लो टेंडर अलॉट हो गया, टेंडर क्या हो गया, अलॉट हो गया। अब ये ए टेंडर एक्सेप्ट करेगा, ए ने अगर कम बिड लगाई थी तो ए टेंडर एक्सेप्ट करेगा। अब तो ये एक्सेप्टेंस तक की सिक्योरिटी है, ये एक्सेप्टेंस तक की सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस तो यहां पर आ जाती है। ये क्या है, एक्सेप्टेंस तक की सिक्योरिटी है कि अगर तुम्हें टेंडर मिला तो तुम इसे एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज तुम्हारा ईएमडी फॉरफिट हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा ईएमडी फॉरफिट हो जाएगा अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई अगर तुम्हें टेंडर, तुमने मान लो ये लगा दिया कि भाई मैं 1,000 करोड़ में कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, किसी ने 1,200 करोड़ लगाया था, किसी ने 1,500 करोड़ लगाया था, तुमने कहा मैं 1,000 करोड़ में पूरी कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, गवर्नमेंट बोली ठीक है 1,000 करोड़ में पूरी कंस्ट्रक्शन करके दे दो। अब बाद में तुम ये कहते हो कि नहीं नहीं सर, मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मैंने तो गलती से गलत लगा दिया, तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ कोई नहीं, तुम्हारा ईएमडी फॉरफिट हो गया। ठीक है, परफॉर्मेंस की तो बारी ही नहीं आई, अभी तुम ऑर्डर ही एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑर्डर एक्सेप्टेंस तक का जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईएमडी। अब ये ईएमडी क्या है, ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, या तो ये तुम बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में दोगे, बैंक ड्राफ्ट का मतलब पता है ना, कि बैंक ने एक ड्राफ्ट बना के दे दिया और उस ड्राफ्ट में ईएमडी की अमाउंट बैंकर कह रहे हैं मेरे पास पड़ी है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंकर कह रहे हैं कि ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, मतलब मैंने ड्राफ्ट बना दिया है, बैंक मेरे अपने अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं, किसके अकाउंट से, ए के अकाउंट से मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब तुम किसी भी ब्रांच में जाके ये बैंक ड्राफ्ट दिखा के पैसे ले सकते हो, तो ये तो बैंक ड्राफ्ट हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैंक ड्राफ्ट में तो पैसा चला गया, किसके अकाउंट से, ए के अकाउंट से, बैंक ड्राफ्ट में तो ए के अकाउंट से बैंक के अकाउंट में पैसा चला गया। लेकिन ए कह रहे हैं कि सर मेरा तो पैसा ब्लॉक हो जाता है ऐसे, मेरा क्या हो जाता है, पैसा ऐसे ब्लॉक हो जाता है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई ऐसी सोर्स मिल जाए जिससे मेरा पैसा भी ब्लॉक ना हो और सामने वाले को भी लगे कि नहीं प्रॉपर सिक्योरिटी है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में दूसरी चीज आती है बैंक गारंटी। दूसरी चीज क्या आती है, बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ ए उसका बैंक क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को, कि अगर इसने टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया, अगर इसने टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया तो बैंकर लाइबल है, अगर इसने टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ईएमडी कौन पे करेगा, बैंकर पे करेगा। ठीक है, अब ए के अकाउंट से पैसे भी नहीं गए, ए ने बैंकर से एक फैसिलिटी ले ली बैंक गारंटी, और वो बैंक गारंटी गवर्नमेंट को दे दी उस फैसिलिटी का यूज करके। तो अगर यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ उस बैंक गारंटी का तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक कमीशन ले लेगा उस बैंक गारंटी के नाम का। और गवर्नमेंट अगर क्या हुआ, ए ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो बैंक गारंटी क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी और एनफोर्स करेगी और वो पैसा रिकवर कर लेगी ईएमडी वाला। तो यहाँ पे बैंकर के ऊपर कैसी लाइबिलिटी आ रही थी, पैसे की, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी। यहाँ बैंकर के ऊपर कैसी लाइबिलिटी आ रही थी, अमाउंट पे करने की, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। बैंकर ने गारंटी भी यही दी थी ना कि ईएमडी पे कर देंगे अगर इसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया,
दैट मीन्स बैंकर वहां फाइनेंशियल ही गारंटी ले रहा था कि भाई ए ने बी के पैसे देने हैं, ए ने गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, ए ने क्या किया, बैंक गारंटी दे दी बैंकर के थ्रू, तो ये बैंक गारंटी में क्या होना है, पेमेंट ही तो होनी है ना, पैसे की गारंटी दी थी। ईएमडी क्या है, मनी की जगह पे बैंक गारंटी दी थी, मनी की जगह पे बैंक गारंटी दी थी, तो अगर डिफॉल्ट करोगे तो पैसा रिकवर तो करेगा सामने वाला, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ये वो वाली हो गई। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, पैसे की ही गारंटी दी जा रही है, यहाँ पे क्या दी जा रही है, पैसे की ही गारंटी दी जा रही है, इसीलिए क्या है, फाइनेंशियल गारंटी है, इसीलिए ये क्या है, फाइनेंशियल गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सर, नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस गारंटी। अब केस को आगे बढ़ाते हैं, केस को कैसे आगे बढ़ाते हैं सर, गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया टेंडर किसको, मिस्टर ए को, तो ईएमडी वापस आ गई किसकी, मिस्टर ए की, ईएमडी तो वापस आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि ए ने अपनी बात पूरी करी, ए ने टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो ईएमडी वाली बैंक गारंटी तो वापस हो गई, वहां पे एक्सरसाइज नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट अब ए से क्या मांगेगी, गवर्नमेंट ए को अब जाके कहेगी कि तुम परफॉर्म करोगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना बीच में भाग जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना गलत मटेरियल यूज कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मतलब टेंडर तो ले लिया है तुम आगे किसी को पास ऑन कर दो और वो बेकार रोड बना दे, फॉर एग्जाम्पल रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो परफॉर्म ढंग से करोगे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन करोगे और बीच में भाग नहीं जाओगे, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब तुम ये कंप्लीट करके जाओगे एज पर टर्म, हमें इस चीज की गारंटी चाहिए। तो परफॉर्मेंस गारंटी जनरली होता है 5% से लेके 15% किसका, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का, कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया टेंडर, तुम्हारे गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गवर्नमेंट कह रही है कि ईएमडी ले तेरी वापिस, क्योंकि वो ईएमडी कहां तक थी, सिर्फ अलॉट होने तक थी, अब अलॉट हो गया है, तो अब हमें फाइनेंशियल नहीं, अब हमें परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ के नहीं भागोगे। तो पहले क्या होता था, पहले परफॉर्मेंस गारंटी है 5 से 15%, यानी मान लो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 15 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास एज ए सिक्योरिटी पड़ी रहती थी कि तुम क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करोगे, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी, 15 लाख रुपए मेरे ब्लॉक हो गए किसके पास, गवर्नमेंट के पास, इस 15 लाख से मैं क्या खरीदता, इस 15 लाख से मैं कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी, कंस्ट्रक्शन के लिए वो जो बजरी क्रेशर जो भी सीमेंट जो चाहिए होता है वो खरीद सकता था, लेकिन मेरे 15 लाख रुपए कहाँ हो गए, ब्लॉक हो गए, मेरे 15 लाख ब्लॉक हो गए किसके पास, गवर्नमेंट के पास, अब मैं क्या करूं, तो मैं बैंकर के पास जाके कहता हूं कि सर कोई सॉल्यूशन है इस बात का कि मेरे 15 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिल जाए और गवर्नमेंट को इसके बदले में मैं कोई ऐसी सिक्योरिटी दे दूं जो सिक्योरिटी टाइम आने पे एनफोर्स की जा सके। तो ऐसे में बैंक ने क्या सुझाव दिया कि तुम बैंक गारंटी दे दो। बैंक गारंटी का मतलब सर भाई ये जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है इसकी गारंटी बैंक दे देता है, ये जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है इस परफॉर्मेंस की गारंटी बैंक दे देता है। अब बैंकर पे तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट है ना कि अगर डिफॉल्ट किया ए ने किस चीज का, परफॉर्मेंस का, यानी कॉन्ट्रैक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो परफॉर्मेंस है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, उस परफॉर्मेंस गारंटी को एनफोर्स कर देगी, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी को एनफोर्स कर लेगी और वो अमाउंट रिकवर कर लेगी जितना गवर्नमेंट का बेसिकली नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि 1 साल से दूसरे साल तक आते आते चीजों के दाम बदल जाते हैं। जैसे मान लो 6 महीने पहले एक टेंडर दिया गया था मिस्टर ए को, मिस्टर ए को टेंडर मिला 800 करोड़ रुपए में। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने 6 महीने काम किया, 6 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, 6 महीने बाद
भाग गया ये कॉन्ट्रैक्टर, अब गवर्नमेंट को दोबारा से टेंडर निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दोबारा से टेंडर निकालना पड़ेगा, तो दोबारा टेंडर निकालने की कॉस्ट लगेगी गवर्नमेंट की, ठीक है, दोबारा टेंडर निकालने की कॉस्ट लगेगी गवर्नमेंट की, वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगी? मिस्टर ए की परफॉर्मेंस गारंटी का को एनफोर्स करके हमने जो रिकवर किया था वहां से। दूसरा, इस 6 महीने के दौरान चीजों के दाम बढ़ गए होंगे, तो ये जो दाम बढ़े हैं या वो जो आधा वो बना के गया है उसको भी तो कुछ दे चुके थे हम, तो वहां से भी रिकवरी जरूरी थी, और जो दाम बढ़ेंगे उन दाम को रिकवर भी करना जरूरी था, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसीलिए क्या दी गई? बैंक गारंटी। कौन सी बैंक गारंटी? परफॉर्मेंस। ये किस पे बेस्ड थी? परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड थी। आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो इस तरह की चीजें हो गई। तीसरा क्या है? डेफर्ड पेमेंट। तीसरा क्या है? डेफर्ड पेमेंट है। अब यहां पे क्या है, यहां पे मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बाय किए हैं कैपिटल गुड्स किससे? किसी मिस्टर बी से। मिस्टर ए ने क्या किए? बाय किए क्या? कैपिटल गुड्स किससे? मिस्टर बी से। बट मिस्टर ए ने किस पे बाय किए? क्रेडिट परचेज, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट है तो मिस्टर बी क्या कह रहा है? अरे भाई तुम पेमेंट कैसे करोगे? सर इंस्टॉलमेंट में करूंगा। हम कैसे मान ले भाई तुम पेमेंट करोगे? कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी कुछ तो दो जिससे हमें ये ट्रस्ट हो कि तुम हमारी पेमेंट टाइम से करोगे। भाई तुम 1 करोड़ की मशीनरी उठा के ले आए और तुम ये कह रहे हो कि मैं 1-1 लाख रुपए करके या 5-5 लाख रुपए करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा, सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगा हमारी इस बात पे? सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगा हमारी बात पे? तो मिस्टर बी बोला, नहीं नहीं भाई कोई सिक्योरिटी दो तब जाके मैं दूंगा। तो मिस्टर बी ने क्या कहा कि अगर मैं अपने बैंक से ये बात कहलवा दूं, अगर मेरा बैंकर तुम्हें गारंटी दे दे, अगर मेरा बैंकर तुम्हें सिक्योर कर दे, सिक्योरिटी दे दे कि यस मिस्टर ए ने अगर डिफॉल्ट किया तो पेमेंट कौन कर देगा? बैंकर कर देगा। कौन सी पेमेंट? इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ऐसी पेमेंट जो डेफर्ड पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, तो उस इंस्टॉलमेंट की गारंटी, इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट की गारंटी किसने दी है सर? इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट की गारंटी बैंकर ने दी है। यानी बैंकर की जो लाइबिलिटी है वो हर एक इंस्टॉलमेंट की मेच्योरिटी पे आती रहेगी। मतलब जब इंस्टॉलमेंट हुई बैंकर की लाइबिलिटी, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई बैंकर की लाइबिलिटी। क्यों? ए ने डिफॉल्ट किया, हर बार पे करना पड़ेगा किसको? बैंकर को। तो अगर वहां पे 20 इंस्टॉलमेंट है तो 20 बार डेफर्ड हो गई गारंटी, 20 बार डेफर हुई है गारंटी, 20 बार एनफोर्समेंट आ सकती थी किसकी? गारंटी की, क्योंकि डिफॉल्ट हर बार कर सकता था कौन? मिस्टर ए। तो ऐसी गारंटी जो डेफर्ड हो रही है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोला गया? डेफर्ड। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ने अगर पेमेंट नहीं करी तो वहां पे बैंकर क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। तो इसने इसको क्या दे दी? इसने इसको हर एक इंस्टॉलमेंट के बदले में बैंक गारंटी दे दी, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक गारंटी दे दी। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? डेफर्ड। डेफर्ड ऐसी गारंटी जो ड्यू हो रही है हर एक इंस्टॉलमेंट की मेच्योरिटी डेट पे। तो यहाँ पे मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेगा अलग अलग मेच्योरिटी के, ए से एक्सेप्ट कराएगा, को एक्सेप्टेंस बैंक से करा देगा, ठीक है। ए क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और को एक्सेप्टेंस कौन करेगा? बैंकर। सो दैट बैंकर क्या कर देगा? गारंटी दे रहा है हर एक डेफर्ड पेमेंट की, हर एक डेफर्ड पेमेंट की। तो इसे क्या बोल दिया? इसे डेफर्ड बोल दिया। समझ आया? तीन, पहला क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में समझ में आया सर? फाइनेंशियल में तो पैसे की गारंटी दी थी, फाइनेंशियल में तो सीधा सीधा क्या थी? पैसे की गारंटी कि अगर ए ने पैसा पे नहीं किया तो हम पे करेंगे, जैसे ईएमडी था तो ईएमडी की पेमेंट ए के बिहाफ पे बैंक ने दे दी। दूसरा हमने क्या? परफॉर्मेंस, कि अगर परफॉर्मेंस नहीं किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के भाग गए तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो ही लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज लाइबिलिटी नहीं आएगी। पहले तो पैसे की गारंटी दी थी,
ईएमडी की जगह पे बैंक गारंटी थी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये परफॉर्म होगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। और तीसरा, डेफर्ड। डेफर्ड में क्या है, इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज ली है तो उस इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैंक की गारंटी है, तो दैट इज कॉल्ड, जो गारंटी डेफर हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे डेफर्ड पेमेंट बोला है। डन। चलो फटाफट से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। बैंक गारंटी क्या है सर? बैंक गारंटी एक नॉन फंड बेस्ड, ठीक है सर। बैंक गारंटी क्या है? बैंक गारंटी सर एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज है। नॉन फंड बेस्ड ही तो चैप्टर था हमारा, कि नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी है बैंक ने कस्टमर को, उसे बैंक गारंटी बोला गया। बैंक गारंटी का मतलब, ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट एज ए कमिटमेंट टू थर्ड पार्टी एश्योरिंग हर या हिम टू ओनर द क्लेम। यहाँ पे यही कहा गया है कि बेसिकली गारंटी दी जा रही है किस चीज की, थर्ड पार्टी को, कि उसका जो भी बिल होगा, उसका जो भी क्लेम होगा, उसे बैंकर ओनर करेगा। उसे कौन करेगा? ओनर करेगा बैंकर, अगर सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया या डिफॉल्ट किया, जो भी है। तो बैंक गारंटी क्या है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो इंपोज किया जा सकता है लॉ से, और ये एंश्योर कर रहा है, एश्योर कर रहा है किसको? थर्ड पार्टी को, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी को, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर पेमेंट की गारंटी, ठीक है, कि अगर सामने वाला नहीं परफॉर्म करता है। तो तीन तरह की है। पहला आपको दिया गया है फाइनेंशियल गारंटी, मैंने पहले ही कहा था। दूसरा आपको दिया गया है परफॉर्मेंस गारंटी, पर्पस भी दिया गया है इशुइंग परफॉर्मेंस गारंटी, और तीसरा डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तीसरा क्या दिया गया है? डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो पहला क्या है हमारा सर? फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल मतलब गारंटी इन फेवर, गारंटी इन फेवर ऑफ बैंकर अगेंस्ट कॉशन डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी। ये वही चीज है मैंने आपको जो समझा दिया था, कि गारंटी किसके फेवर में है? गारंटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में है, जिसने टेंडर निकाला है, किसके अगेंस्ट में? सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के, सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो एज द रिक्वेस्ट ऑफ इज कस्टमर इन लियू ऑफ सर्टेन डिपॉजिट और ईएमडी, मतलब वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की जगह पे या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की जगह पे बैंकर क्या कर देता है? बैंकर गारंटी दे देता है गवर्नमेंट को कि ये पैसे की जिम्मेवारी हमारी, तो ये फाइनेंशियल गारंटी है। तो ये हेल्प कर रहा है कस्टमर को बिड करने में कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया नहीं, टेकअप, तो ये बोला था ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अगर तुम पीछे हटते हो तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? इन्वोक करेगा गारंटी को और क्लेम कर लेगा मनी। भाई टेंडर तुम्हें मिल गया, तुम लेने के लिए अब तैयार नहीं हो, अब तुम कह रहे हो गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो बैंक, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? हमारा तो नुकसान हो गया ना, हमने तो एक टेंडर निकाला था, तुम्हारे फेवर में निकाल दिया, अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम, तो तुम्हें, तुम्हारी वो जो ईएमडी, हम क्या कर लेंगे? फोरफिट कर लेंगे। तो बेसिकली हम सीधा सीधा से अगर बात करें तो यहाँ क्या हो रही है? ईएमडी फोरफिट हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ईएमडी फोरफिट हुई है और पैसा रख लिया है किसने? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। परफॉर्मेंस गारंटी में क्या गारंटी दी जा रही है? परफॉर्मेंस की गारंटी, गारंटी ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है तो उसे पूरा भी करोगे, इस चीज की गारंटी। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन में क्या आएगा? मॉनेटरी लाइबिलिटी आ जाएगी, सामने वाला एनफोर्स कर लेगा, इन्वोक कर लेगा। बैंक क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी को, कि कंप्लीट होगा सम वर्क ऑन टाइम और एज पर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो सामने वाला इन्वोक करेगा बैंक गारंटी और अपने पैसे रिकवर कर लेगा, किस चीज के? डिफॉल्ट के, ठीक है। जैसे अगर तुमने टाइम से क्या नहीं किया, मटेरियल की सप्लाई नहीं की, कंस्ट्रक्ट नहीं किया रोड, बिल्डिंग डैम्स, तो ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर लेगी? इन्वोक कर लेगी। टू सिक्योर एनी क्लेम बाय बायर ऑन द सेलर अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट इन डिलीवरी और परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ऊपर यही लिखा था ना, कि अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट या टाइम से डिलीवरी नहीं की, टाइम से तुमने रोड बना के नहीं दिया, तो उस टाइम पे जिम्मेवारी। ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट या प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर डिलीवरिंग ड्यूरिंग वारंटी पीरियड ऑफ द इक्विपमेंट, अगर कोई डिफेक्ट निकल आया किसके अंदर? मशीनरी के अंदर अगर कोई डिफेक्ट निकल आया,
किसके बाद डिलीवर करने के बाद किसी इक्विपमेंट में कोई डिफेक्टिव निकल आया, भाई तुमने मशीन लगा के दी और तुमने उसकी गारंटी दी कि ये मशीन 6 महीने तक अगर खराब हुई तो ये मशीन को हम बदल के देंगे या इस मशीन के डिफॉल्ट के पैसे हम देंगे, तो दैट मीन्स ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट। किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू परफॉर्मेंस, फिर क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोजेक्ट का, कि वो प्रोजेक्ट टाइम से होगा नहीं होगा वहां पे भी क्या दी जाएगी, उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए परफॉर्मेंस गारंटी दी जाएगी। तो ये सारे क्या है, परफॉर्मेंस गारंटी के एग्जाम्पल दिए गए। डेफर्ड पेमेंट में क्या कह रहा है, डेफर्ड पेमेंट में डेफर की जा रही है कि पेमेंट बैंकर क्या कर रहा है, गारंटी कर रहा है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उन सब की गारंटी ले रहा है स्प्रेड ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंक क्या कह रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा हर एक इंस्टॉलमेंट की जो बायर को पे करनी है, अगर बायर पे नहीं करता है, एडवांस पेमेंट करा ली जाती है 10 to 15%, बाकी के लिए क्या की जाती है, इंस्टॉलमेंट लिख ली जाती है, और सप्लायर क्या करता है, ड्रॉ करता है बिल डिफरेंट डेट के डिफरेंट मेच्योरिटी के, एक्सेप्ट करता है बायर, को एक्सेप्टेंस कर रहा है बैंकर। ऑन एवरी ड्यू डेट बैंक बायर का बैंक क्या करेगा, मेक पेमेंट करेगा अगर बायर ने डिफॉल्ट किया, तो बैंकर क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है सच गारंटी। बैंकर भी अपने लिए क्या करेगा, सिक्योरिटी, मतलब जो कैपिटल गुड आपने खरीदे हैं उसी पे बैंकर चार्ज क्रिएट कर लेगा अपने फेवर में। ऑन एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड ए रजिस्टर्ड एक्नोलेजमेंट ड्यू नोटिस इज सेंड टू द बेनिफिशियरी दैट लाइबिलिटी ऑफ बैंक आज से क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, जैसे ही डेफर्ड पेमेंट पूरी हो जाएंगी, बैंकर आके ये कहेगा ठीक है भाई मेरी तरफ से आज के बाद कुछ नहीं बचा है, आज के बाद सब कुछ डन। अगर बेनिफिशियरी ने कहीं इन्वोक कर ली गारंटी को, तो बैंकर को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या डाला जाता है, एक लिमिटेशन क्लोज डाला जाता है कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड के बाद अगर तुम आओगे तो फिर तुम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो बेनिफिशियरी क्लेम तभी कर सकता है जब लिमिटेशन पीरियड चल रहा हो। कोई भी बैंक गारंटी 10 साल से ज्यादा की नहीं होगी। नो बैंक गारंटी शुड नॉर्मली हैव ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिसी बेस्ड अप्रूवल, मतलब बैंक को अपने फर्दर जो मेन मेन बैंक मेन ब्रांच है वहां से अप्रूवल लेनी पड़ती है। डन, एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हमारा डन हो गया। डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ गारंटी और बैंक गारंटी, ये वैसे भी आपको पता तो वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि ट्रांजेक्शन उसकी वजह से प्रोसीड होगी, और बैंक गारंटी रिड्यूस कर रहा है सामने वाले का रिस्क अगर ट्रांजेक्शन डज नॉट गो एज अ प्लान। कि लेटर ऑफ क्रेडिट इंश्योर कर रहा है कि क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए सामने वाले, कमिटमेंट, ये बेसिकली इंटीमेशन थी कि सामने वाले के पास पैसा है तो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का पर्पज था। बैंक को गारंटी उल्टा है, अपोजिट है, कि अगर एज प्लान नहीं गया तो तुम्हारा जो लॉस होगा वो हम बियर करेंगे, तो बैंक गारंटी एश्योरिटी दे रही है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं, जबकि बैंक गारंटी दोनों ही चीजों में हो सकती है, गारंटी इंडियन में, फॉरेन में, सब चीजों में हो सकती है, और ऑफ्टन यूज की जाती है रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। लेटर ऑफ क्रेडिट में मोर देन वन बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं, बैंक गारंटी में सिर्फ एक ही बैंक होगा जिसे गारंटी दी है। बैंक गारंटी मोर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है बैंक की तरफ से, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट हमें पता है सिर्फ ये एक तरह से कंफर्मेशन वहां पे दी गई थी कि यस पैसा अवेलेबल है, लेकिन वहां कहीं भी परफॉर्मेंस गारंटी ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। बैंक गारंटी लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी कर रहा है सम ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी, लेकिन अनलाइक ए लेटर ऑफ क्रेडिट इट इज द सम ओनली पेड इफ द अपोजिट पार्टी डज नॉट फुलफिल द स्टिपुलेटेड ऑब्लिगेशन। वहां पे तो ये था ना, बैंक गारंटी तो क्या है, बायर ने डिफॉल्ट किया तो होगा, जबकि लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये एश्योर कर रहा था कि ट्रांजेक्शन हो और उसके अकॉर्डिंग बायर सेलर की पेमेंट होगी और हम पेमेंट के लिए बीच में आने के लिए तैयार है। बैंक गारंटी इंश्योर कर रही थी दोनों पार्टीज को जो रिस्क होता है उससे, भाई अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो वहां पे जो रिस्क अराइज होगा उससे, ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये तो तुम वैसे भी पढ़ लेते। नेक्स्ट क्या है ये ध्यान से समझना, अप्रेजल मेथोडोलॉजी, ये हमने चैप्टर नंबर 7, 6, 7 दोनों में ही कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी थी। अब 8 में भी यही चीज आ रही है कि क्या क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है।
अप्रेजल प्रोसेस का मतलब हमें पता है, क्रेडिट अप्रेजल का मतलब वो प्रोसेस जिसके दौरान ये फाइंड आउट किया जाएगा क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, किसी चीज से रिस्क एसोसिएटेड क्या है। असर्टेन द रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिटर फैसिलिटी, जो जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक गारंटी या एलओसी दे रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, वो एश्योर करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत है क्या है, तो उस चीज की गारंटी, उस चीज की परफॉर्मेंस के लिए बोला गया है। द एवरी क्रेडिट प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द रिस्क, क्रेडिट अप्रेजल रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि कितना लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ए ट्रेड ट्रांजेक्शन और यूज टू फाइनेंस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इट कंटेन ए रिटन अंडरटेकिंग बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर टू द सेलर टू मेक पेमेंट ऑफ स्टेटेड अमाउंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। लेटर ऑफ क्रेडिट डज ऑफर बोथ पार्टीज टू ट्रेड ट्रांजेक्शन ए डिग्री ऑफ सिक्योरिटी। सेलर कैन लुक फॉरवर्ड टू द इशुइंग बैंक फॉर पेमेंट इंस्टीड ऑन रिलाइंग ऑन एबिलिटी या विलिंगनेस ऑफ बायर टू पे। भाई बायर की गारंटी, बायर के बिहाफ पे कमिटमेंट ही तो दिया था ना किसने, इशुइंग बैंक ने, कि एलओसी जिसने इशू करा उसने ये कहा था कि पेमेंट की गारंटी हम ले रहे हैं, दैट मीन्स पेमेंट होगी और इसके अकाउंट में पैसे भी हैं, तो पेमेंट होगी, इस चीज की पूरी हम बेसिकली बोल रहे हैं ये पेमेंट होगी। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी एलसी इशू की जा सकती है, ऐसे थोड़ा कि जो सामने वाला मांगे उतना दे दे। यदि आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आप जितना मांगते हो बैंक दे देता है, नहीं, बैंकर देखते हैं आपकी क्रेडिट वर्थिनेस, उसके बेस पे बैंक कहता है कि इतना लोन मिल सकता है और इतने परसेंट पे मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि तुम्हारा लोन और मुकेश अंबानी का लोन सेम चलेगा, मुकेश अंबानी का लोन अलग टर्म्स पे होगा, तुम्हारा लोन अलग टर्म्स पे होगा, क्योंकि तुम्हारी क्रेडिट वर्थिनेस और मुकेश अंबानी की क्रेडिट वर्थिनेस में फर्क है। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितनी एलसी रिक्वायर्ड है, एलसी मिनिमम एलसी कितनी जा सकती है। तो आप पहले ये देखो आपको एनुअल रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना है, इसमें से एलसी से कितना रिक्वायर्ड है, मतलब टोटल में से ये देखो एलसी में कितना रिक्वायर्ड है और उसकी मंथली कंजम्पशन निकाल लो। मंथली कंजम्पशन आपने निकाल ली किससे, एलसी से, तो मैं क्या करूंगा बी को डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो क्या आ जाएगी मंथली रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो एलसी के थ्रू आ रहा है टोटल में से। ठीक है, अगर टोटल में से एलसी वाला अलग ही करूंगा ना, तो एलसी वाला रॉ मटेरियल मैंने देख लिया या एलसी से जो गुड्स आ रहे हैं वो देख लिए, मंथली कंजम्पशन देखा एलसी से कितना होता है, फिर मैंने देखा यूजेंस, लीड टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, यूजेंस टाइम कितना है, तो ये टाइमिंग के बेस पे फिर मैंने क्या किया ये देखा मल्टीप्लाई करके कि एक महीने में मान लो अगर 5 करोड़ है तो 4 महीने में 20 करोड़ की एलसी है, कि एक महीने की कंजम्पशन मान लो 5 करोड़ की है तो 4 महीने की कंजम्पशन 20 है, तो एलसी 20 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो एफ इंटू सी, एफ डी है ना टाइम इंटू आपका जितना ये मंथली कंजम्पशन है, मंथली कंजम्पशन इंटू टाइम, तो पता चल गया ना कि 4 महीने के लिए एलसी कितने की रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ तो सो देट तुम्हें एश्योरिटी भी रहेगी। देखो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है आपको लिमिट फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, कि कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट बैंकर को इंश्योर करनी चाहिए, देनी चाहिए। एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल 172, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल फुल, मतलब ये सारे मिला के एलसी से मिलाते हैं, हमें तो देखने हैं एलसी वाले कितने हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एलसी वाला 69.41। अब ये क्या है, ये तो है कुछ नहीं, ये तो फॉर द ईयर लिखा है, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी मंथली निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी मंथली निकालनी पड़ेगी, और मंथली निकालने के लिए 69.41 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 12×5=60 और 5.8 मान लूं मैं, इसे 5.8 मान लेते हैं, मंथली कंजम्पशन 5.8 करोड़ की है। ठीक है, मंथली कंजम्पशन 5.8 करोड़ की है। लीड टाइम, टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू शिपमेंट 10 डेज, ट्रांजिट में टाइम 20 दिन लग जाते हैं, और वो जो क्रेडिट पीरियड मिलता है वो 3 महीने का, यानी मतलब मुझे कितने टाइम पीरियड की देनी पड़ती है 3 महीने, और ये भी तो इस टाइम पीरियड के दौरान भी तो वो वैलिड रहेगी ना,
यानी 4 महीने तक एलसी वैलिड रहनी है, 4 महीने तक। तो 4 महीने हर महीने 5.8 की एलसी चाहिए, तो मैं एक ही बार में 4 महीने की एलसी दे देता हूँ, कितनी, 20 समथिंग की, ठीक है, 8 चौक 32 और 3 आ गया, और ये 23.2 अप्रोक्स में 23 करोड़ की क्या दे देता हूँ, एलसी दे देता हूँ। तो लिमिट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट 4 महीने की एलसी की लिमिट है 23 करोड़, एक ही बार में दे दी, क्योंकि 4 महीने लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में, तो 20 करोड़ की एलसी सफिशियंट है, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड दिया गया था, रिक्वायरमेंट ऑफ एलसी तो 23 करोड़, डन। अब दूसरा गया है बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी में भी तो यही देखा जाएगा ना कि आपकी ड्यू डिलीजेंस कराई जाएगी, जैसे आपकी बैंक फंड बेस लिमिट में होती है, यहाँ बैंकर यही इंश्योर करेगा ना कि भाई तुम्हारे बिहाफ पे कर रहे हैं, तो अब तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे बिहाफ पे हमें पेमेंट करनी है, तो हमारा पैसा कैसे रिकवर होगा। तो इसके लिए नीड देखी जाएगी, इसके लिए देखा जाएगा कि वन टाइम है, रेगुलर बेस्ड है, नेचर क्या है बैंक गारंटी का, एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या कैपेसिटी क्या है, पास रिकॉर्ड क्या है, ऑलरेडी कितनी बैंक गारंटी है, मार्जिन क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या ऑफर की गई है। यहाँ बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना। आउटस्टैंडिंग जितनी ऐड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी मेच्योर हो गई ड्यूरिंग द ईयर, और फाइनली आपको पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बैंक गारंटी इस तरह से निकाला है कि आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी कितनी है, ऐड कितनी हुई है टाइम पीरियड के दौरान, मेच्योर कितनी हो गई है जो खत्म हो गई है टाइम पीरियड के दौरान, और रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी, तो सीधा सा फॉर्मूला है, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी दो को ऐड कर दो, लेस वाले को तो माइनस ही करना है ना, लेस तो माइनस ही होगा और क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, मून लिमिटेड मेक एन एप्लीकेशन फॉर बैंक गारंटी लिमिट, तो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। अब ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी 95 की है, रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये ऐड हो जाएगी, एस्टिमेटेड मेच्योरिटी ये माइनस हो जाएगी, तो क्या निकल आएगी आपकी बैंक गारंटी। ये तो इतना सिंपल सा दिया गया है कि ए प्लस बी माइनस सी 145, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डन। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कर चुके ना हम, ये कर लिया था, हाउ डज ए बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क इन लेटर ऑफ क्रेडिट, ये कर लिया था क्या हमने, ठीक है। एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू तो किया था बट उसको खत्म नहीं किया था, दैट इज कॉल्ड पेमेंट कैसे होगी, ठीक है। एक बार ये पूरा कर लेते हैं, व्हेन डज ए पेमेंट हैपन, तो पेमेंट कब होगी, जब शिपमेंट हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटिंग बैंक के पास, और वो नेगोशिएटिंग नॉमिनेटिंग बैंक क्या करेगा, इशुइंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट भेजेगा, इशुइंग बैंक का कंफर्मेशन करेगा, तो उसके बेसिस पे पेमेंट होगी। हमने पढ़ा बायर जनरली क्या करेगा, बैंकर को तो मतलब नहीं है कि गुड्स कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, लेकिन बायर क्या करेगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा कि जब गुड्स शिपमेंट के लिए दिए गए थे तब वो सही कंडीशन में या नहीं थे, इस चीज के ऊपर इंस्पेक्शन। तो एडिशनली यूसीपीडीसी द फॉलोइंग प्रोविजन आर आल्सो मेंशन फॉर गाइडेंस और बेनिफिट, कुछ प्रोविजन और मेंशन किए गए हैं कि क्रेडिट क्या होगा, इरिवोकेबल होगा अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे वर्ड्स हैं टू अंटिल फ्रॉम एंड बिटवीन, अगर ये डिटरमाइन कर रहे हैं पीरियड ऑफ शिपमेंट तो ये इंक्लूड कर रहे हैं डेट को, अगर वर्ड बिफोर एंड आफ्टर क्या लिखा है तो ये वर्ड एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अगर टू अंटिल फ्रॉम बिटवीन ये वर्ड लिखे हैं किस चीज में, याद रखना ये डेट ऑफ शिपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगला पॉइंट इसका डिफरेंट है, डेट ऑफ शिपमेंट की बात की जा रही है, वही सेकेंड पॉइंट में मेच्योरिटी की बात की जा रही है। तो शिपमेंट में तो क्या कह दिया, टू अंटिल फ्रॉम बिटवीन ये इंक्लूड होंगे, बिफोर और आफ्टर अगर लिखा है तो एक्सक्लूड किया जाएगा जो डेट लिखी है, ठीक
द वर्ड फ्रॉम और आफ्टर, अब ऊपर वाले पे मत जाना, ऊपर वाले का अलग था। अगर मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ एक मेच्योरिटी डेट और वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम एंड आफ्टर, तो एक्सक्लूड कर रहा है वो डेट जो लिखी है, एक्सक्लूड करना है वो डेट जो लिखी है अगर मेच्योरिटी के केस में फ्रॉम और आफ्टर वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रांचेज इन डिफरेंट कंट्रीज को सेपरेट बैंक की ट्रीट किया जाएगा। तो अगर इश्यूइंग बैंक की ब्रांच फॉरेन में है और वो नॉमिनेटिंग बैंक है या वो रिमबर्सिंग बैंक है, तो उसे क्या बोला गया है, एक डिफरेंट बैंक। रिमबर्सिंग नॉमिनेटिंग उसे अलग ही माना गया है, तो ये ब्रांचेस को क्या माना जाएगा, सेपरेट बैंक माना जाएगा। डेट ऑफ इश्यूएंस, जिस दिन आपने ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इश्यू किए वही मानी जाएगी डेट ऑफ डिस्पैच, टेकिंग इन चार्ज एंड और शिपमेंट ऑन बोर्ड एंड डेट ऑफ द शिपमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इंडिकेट कर रहे हैं बाय स्टैंप और नोटेशन ए डेट ऑफ डिस्पैच, तो वही मानी जाएगी डेट ऑफ शिपमेंट। मतलब अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो जो जिस दिन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इशू है वही डेट ऑफ शिपमेंट है या डेट ऑफ डिस्पैच है, लेकिन अगर अलग से लिखी है डेट ऑफ डिस्पैच तो वही डेट ऑफ शिपमेंट मानी जाएगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है, जब एक मोड से दूसरे मोड में जा रहा है, एक मोड से दूसरे मोड में, तो वहां पे ट्रांसशिपमेंट की जा रही है कि अब रेलवे से दूसरे वे में आ गया है, अब ट्रेन से किस में जा रहे हैं, अब लोरी में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट हो गई है। एक क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, क्लीन का मतलब जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जो पूरी तरह से सही है और सारी चीजें हैं, जिसमें क्या नहीं है, नो क्लोज ऑफ नोटेशन नहीं है, दैट मीन्स जो ये डिक्लेयर करे कि डिफेक्टिव कंडीशन है गुड्स की, ऐसा क्लोज नहीं है, ऐसा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसमें क्लोज ऑफ नोटेशन नहीं है। क्लोज ऑफ नोटेशन तब डाला जाता है जब डिफेक्टिव गुड हो ना, तो फिर क्लोज ऑफ नोटेशन डाला जाता है। तो अगर क्लोज ऑफ नोटेशन नहीं डाला गया है तो दैट मीन्स क्लीन है, क्लोज ऑफ नोटेशन है दैट मीन्स डिफेक्टिव गुड्स है, क्लोज ऑफ नोटेशन है दैट मीन्स डिफेक्टिव गुड है, क्लोज ऑफ नोटेशन नहीं है इसका मतलब डिफेक्टिव गुड नहीं है, इसका मतलब डिफेक्टिव गुड नहीं है। डन, बैंक गारंटी हमारी हो ही गई है, डिफरेंस हो गया, अप्रेजल हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है दो चार मिनट का, थोड़ा सा समझना क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, जस्ट इसे समझना है, सिर्फ समझना है, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट समझना है, सिर्फ समझने के पर्पज से। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज चार बेसिस पे क्रेडिट करता है, पहली चीज साइड पेमेंट, दूसरी चीज एक्सेप्टेंस और नो नेगोशिएशन इज एज फॉलोज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क फ्लोज इन लेटर ऑफ क्रेडिट अवेलेबल बाय साइट एक्सेप्टेंस नेगोशिएशन इज एज फॉलोज, सॉरी तीन तरह से आ रहा है। तो साइड पेमेंट क्या है, कि आफ्टर मेकिंग द शिपमेंट, शिपमेंट करने के बाद एक्सपोर्टर कलेक्ट करेगा शिपमेंट डॉक्यूमेंट को और इश्यूज करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से वाला, एट साइट वाला। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, शिपमेंट कर दी, शिपमेंट के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रो किया एट साइट वाला और नॉमिनेटिंग नेगोशिएटिंग बैंक को भेज दिया, नेगोशिएटिंग बैंक इश्यूइंग बैंक को भेजेगा और देखते ही कि सारी चीजें सही है पेमेंट कर दी जाएगी, तो ये प्रेजेंट किया जाएगा इश्यूइंग बैंक को, कंफर्मिंग बैंक, नॉमिनेटिंग बैंक को, और अगर बैंक डिटरमाइन कर रहा है कि प्रेजेंटेशन इज कंप्लाइंट तो पे कर दिया जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इसे बोला गया साइट पेमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब दूसरा, एक्सेप्टेंस में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एक्सपोर्टर कलेक्ट ऑल द शिपिंग डॉक्यूमेंट और इश्यू करेगा एक टाइम ड्राफ्ट यूजेंस बिल, जिसकी एक फ्यूचर डेट होगी, प्रेजेंटेशन की जाएगी इश्यूइंग बैंक को और बैंक डिटरमाइन करेगा प्रेजेंटेशन इज कंप्लाइंट, एक्सेप्ट करेगा टाइम ड्राफ्ट और पे करेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, नेगोशिएशन क्या है, लेटर ऑफ अवेलेबल अवेलेबल बाय नेगोशिएशन कैन बी पेबल एट साइट और यूजर्स इफ लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर एट साइट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोसेस सेम होगी, और अगर प्रेजेंटेशन टाइम ड्राफ्ट वाली है तो इसमें सेम एज एक्सेप्टेंस होगा। नेगोशिएशन जस्ट नथिंग, नेगोशिएशन यही है, एट साइट वाला है या यूजेंस वाला है, तो उसमें उसी हिसाब से, एट साइट वाला है तो प्रेजेंट करने के टाइम पे पेमेंट हो जाएगी और टाइम ड्राफ्ट है तो फिर टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, मेच्योरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक
और चीज के साथ कराना था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज कराना था, तो वहाँ और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाती। ठीक है, तो फिर ये आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा डन हो गया है। अब इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक बार रीड करना है, पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करना है, शुरुआत से लेके एंड तक। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो यही गलती है कि चैप्टर खत्म होते ही, लास्ट क्लास खत्म होते ही, लास्ट वाला तो वैसे ही नहीं पढ़ते और पूरा बाकी रिवाइज ही नहीं करते, तो फिर बाद में हमें दिक्कत होती है दोबारा करने में। इसीलिए अभी आज वाला बहुत अच्छे से करना है और पुराना वाला सारा का सारा दोबारा से कर लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 होगा। ठीक है, और ये आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कल नहीं है क्लास, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, कल तो मैं बाहर हूं, तो चैप्टर नंबर 9 वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है, आप आराम से इसे रिवाइज कर लो, इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है, और परसों से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसों से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और पढ़ने पे फोकस रखो, चीजों को लिख के देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है भाई, फिर बाय बाय, टेक केयर।